गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संजीव कपूर को, जेट एयरवेज का नया सीईओ संजीव कपूर को बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 42। भारतवर्ष में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या है 42। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1075। राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर है 1075। अगला प्रश्न, नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व खाद्य कार्यक्रम को। नोबल शांति पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 जुलाई 2020 को। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ 20 जुलाई 2020 को किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए कला पंथी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राधेश्याम बारले को। अगला प्रश्न, कलमा बराज स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी पर। कलमा बराज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, S-400 वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित देश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस से। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले हैं। तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सतीश जायसवाल को। छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में सतीश जायसवाल को दिया गया है। अगला प्रश्न, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न, 35वें ओलंपिक खेलों 2032 का आयोजन होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 35वें ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला प्रश्न, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोरबा जिले में। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क खालिस्तान में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बस्तर जिले में। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क बस्तर जिले में स्थापित किया जाएगा। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य जानकारी से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य है। तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बरसाती नालों का संरक्षण से। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मनखे मन। छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होता है मनखे मन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निगम कर। अगला प्रश्न, राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खांडेराव। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम है खांडेराव। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा का उन्हारी का हिंदी में अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रवि फसल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराजा अग्रसेन सम्मान। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण का नाम है महाराजा अग्रसेन सम्मान। अगला प्रश्न, इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना न्याय योजना नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन न्याय योजना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना। अगला प्रश्न, इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बजर नदी।
अगला प्रश्न, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तमोरा। अगला प्रश्न, इस राज्य का कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12वें। अगला प्रश्न, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1023 AD। अगला प्रश्न, इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्ति। अगला प्रश्न, इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महेंद्र कर्मा। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भोजली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।